हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10th कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4 के टेक्निकल के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के टेक्निकल्स के बारे में हमने पहला वीडियो देख लिया, जिसके अंदर हमने 1 से 4 प्रैक्टिकल्स हमने कंसिडर किए थे और रिमेनिंग प्रैक्टिकल्स जो बचे थे, जो मेनली टेबल के ऊपर थे, वो टेबल के ऊपर के प्रैक्टिकल्स आज हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4th का 5th प्रैक्टिकल, जो कि टेबल के ऊपर है। तो सबसे पहले उसका हम आउटपुट देखें, तो ये है उसका आउटपुट, जहाँ पे हमने यहाँ पे टेबल के ऊपर अलग अलग सेल क्रिएट करके यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट किए हुए हैं। सोर्स कोड देखें तो राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हैं, ये आपका सोर्स कोड HTML कोड है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं HTML कोड को। तो सबसे पहले HTML टैग, यहाँ पे हेड सेक्शन को हमने ऑप्शनल चीज में रखा हुआ है, यानी कि वो हेड और टाइटल हमने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, और हम यहाँ पे सीधा बॉडी टैग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बॉडी टैग के अंदर आप देख रहे हो कि हमने टेबल टैग का यूज किया, यानी कि टेबल क्रिएट करने के लिए हमें टेबल टैग का यूज करना है, और टेबल टैग के साथ हम जो भी एट्रीब्यूट यूज करना चाहते थे वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि विड्थ, तो हमने टेबल की विड्थ यहाँ पे 80% रखी हुई है। बॉर्डर इज इक्वल टू 4, यानी कि टेबल की बॉर्डर यहाँ पे 4 पिक्सल्स के अंदर आएगी। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, डेट मीन्स टेबल हमारा सेंटर में दिखेगा। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू पिंक, डेट इज हमारा टेबल का बैकग्राउंड कलर पिंक कलर होगा। सेल पेडिंग इज इक्वल टू 20, यानी कि टेबल के सेल के अंदर हम जो भी टैग्स लिखेंगे वो टेबल के सेल के बॉर्डर से 20 पिक्सल्स की जगह छोड़कर वो हमें वहां पे टेक्स्ट दिखाई देगी। एंड सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 10, डेट इज दो सेल के बीच में यहाँ पे 10 पिक्सल्स की वो क्या करेगा, स्पेस छोड़ के हमें देगा, यानी कि दो सेल के बीच में 10 पिक्सल की यहाँ पे हमें स्पेस मिलेगी। एंड फ्रेम इज इक्वल टू बॉक्स, यानी कि टेबल के आसपास हमें एक बॉक्स टाइप की वहां पे बॉर्डर दिखेगी, यानी कि फ्रेम टैग आउटर मोस्ट जो भी बॉर्डर होगी टेबल के बाहर की बॉर्डर को वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा, यानी कि उसी हिसाब से यहाँ पे वो वैल्यू के मुताबिक वहां पे बॉर्डर ड्रॉ करके देगा। फिर यहाँ पे कैप्शन टैग के अंदर H1 टैग यूज किया, जो हमारा हेडिंग टैग है। यहाँ पे फॉन्ट कलर इज इक्वल टू कंप्यूटर रखा हुआ है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि आप कलर की वैल्यू आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर टैग्स के मुताबिक यहाँ पे जो भी कलर की वैल्यू आएगी वो आपको हेडिंग के अंदर वो कलर के साथ वो वैल्यू आपको दिखेगी। हमने यहाँ पे हेडिंग इंसर्ट किया हुआ है, पॉइंट्स अर्न बाय दी सिटी, फिर फॉन्ट टैग को क्लोज किया, H1 हमारे हेडिंग स्टाइल को भी क्लोज कर दिया और यहाँ पे कैप्शन टैग को भी क्लोज कर दिया, यानी कि हमारे टेबल के ऊपर हमने हेडिंग इंसर्ट कर दिया, पॉइंट्स अर्न बाय दी सिटी। यहाँ पे हमने फॉन्ट कलर इज इक्वल टू कंप्यूटर लिखा था, डेट मीन्स कंप्यूटर वर्ड का यहाँ पे कलर मिल रहा है हमें पर्पल कलर, तो आपको यहाँ पे पर्पल कलर दिख रहा है टेक्स्ट फॉन्ट के अंदर। फिर TR टैग की मदद से हम यहाँ पे एक रो क्रिएट कर रहे हैं। टेबल के अंदर एक रो क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे TR टैग का यूज किया, और उसके अंदर हम यहाँ पे TH टैग का यूज कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो फर्स्ट रो हमने बनाई उसका अगर हमें हेडिंग इंसर्ट करना है, हेडिंग ऐड करना है, तो हेडिंग हम कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग ऐड करने के लिए TH टैग का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करा दी नेम ऑफ दी सिटी, और हमने यहाँ पे TH टैग को बंद कर दिया, यानी कि हमारे एक रो के अंदर एक सेल की वैल्यू यहाँ पे हमने इंसर्ट करा दी। फिर अगर हमें दूसरा सेल चाहिए बाजू में, तो यहाँ पे वापस से TH टैग का हम यूज करेंगे, उसकी वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे इंसर्ट करा दी, यानी कि पॉइंट्स अर्न हमने लिख दिया और यहाँ पे TH टैग को बंद कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमारी एक रो के अंदर हमने दो सेल इंसर्ट किए, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमने यहाँ पे दो कॉलम भी इंसर्ट कर दिए। अगर आपको और सेल या फिर कॉलम चाहिए तो अगेन आप यहाँ पे TH लिखो, जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी थी वो वैल्यू इंसर्ट करके TH टैग को बंद कर दो। तो जितने आपको ऐसे सेल इंसर्ट कराने हैं वैसे आप TH टैग की मदद से उतने वहां पे इंसर्ट करा सकते हो, एंड देन आफ्टर TR टैग को क्या कर दो, क्लोज कर दो, यानी कि हमारी फर्स्ट रो यहाँ पे एंड हो जाएगी। फिर
फिर अगेन हमें यहाँ पे वापस से टी आर टैग का यूज किया, यानी कि हम टेबल की सेकंड रो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एट्रीब्यूट के साथ हमने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर ली, जैसे कि अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, यानी कि जो भी वैल्यूज हम लिखेंगे वो सेंटर में आएंगी। उस रो का हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट किया, यानी कि लाइट ग्रीन, यानी कि जो हमारी टेबल के अंदर सेकंड लाइन होगी उसका बैकग्राउंड कलर हमें लाइट ग्रीन दिखेगा। फिर उसके अंदर टीडी, जो हमें टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो वो डेटा इंसर्ट करने के लिए यानी कि कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टीडी टैग का यूज करेंगे, और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करा दी बड़ौदा और टीडी टैग बन। फिर वापस से दूसरे कॉलम में जाकर दूसरे सेल में वैल्यू इंसर्ट करनी थी, तो टीडी टैग वही फिर से ओपन किया, यहाँ पे 150 उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी और टीडी टैग को बंद कर दिया, और एट लास्ट टीआर टैग को भी हमने क्लोज किया, डेट इज हमारी सेकंड रो भी यहाँ पे एंड होती है। फिर हम यहाँ पे वापिस से टीआर टैग का यूज करके एक रो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, अलाइनमेंट यहाँ पे हम सेंटर लिख रहे हैं, यहाँ पे टीडी हम इस लाइन के अंदर बैकग्राउंड कलर यूज कर नहीं रहे, बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होगा वही हमें दिखेगा, तो टीडी टैग के साथ हमने वैल्यू इंसर्ट करा दी अहमदाबाद और टीडी टैग को बंद कर दिया। वापिस से टीडी टैग यूज कर रहे हैं, यानी कि वापिस से डेटा हम इंसर्ट करेंगे, या फिर एक कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करने वाले थे और डेटा की वैल्यू डाल दी यहाँ पे 80, टीडी टैग को बंद किया, और एट लास्ट एंड में यहाँ पे हमने टीआर टैग को भी बंद कर दिया, तो हमारी यहाँ पे थर्ड रो भी क्रिएट हो गई। फिर हम लास्ट फोर्थ लाइन भी ऐड कर रहे हैं, तो टीआर टैग से हमने यहाँ पे एक रो क्रिएट कर ली, अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर रखा, बैकग्राउंड कलर वापस से हम यहाँ पे लाइट ग्रीन ले रहे हैं, और टीडी टैग की मदद से हम डेटा इंसर्ट करा रहे हैं और डेटा की वैल्यू हम ले रहे हैं वहां पे भावनगर, टीडी टैग को क्लोज किया, दूसरा कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए वापिस से टीडी और वहां पे डेटा की वैल्यू डाल दी 310 और टीडी टैग को क्लोज कर दिया, और एंड में टीआर टैग को भी बंद किया, यानी कि हमारी रो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। बस टेबल के अंदर हमें इतनी ही रो एंड कॉलम ऐड करने थे, वैल्यू इतनी ही इंसर्ट करनी थी, तो हमने यहाँ पे टेबल टैग को भी बंद कर दिया। अगर आप चाहो तो और अगर रो और वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है तो आपको बस वही यही लाइंस को यही कोड को फॉलो करके आप जैसा टेबल क्रिएट करना चाहो फॉर्मेटिंग के साथ वैसा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को लेकर भी आप यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो। हमें और कोई रो ऐड नहीं करनी, कोई डेटा ऐड नहीं करना, तो हम यहाँ पे टेबल टैग को बंद कर रहे हैं, बॉडी टैग को बंद करके हमने HTML प्रोग्राम क्लोज कर दिया। तो चलिए इसका आउटपुट देखें कि पूरा कैसा आता था। तो यहाँ पे देखा था, तो ये हमने कैप्शन टैग के अंदर जो वैल्यूज लिखी थी H1 हेडिंग के अंदर, वो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। यहाँ पे पूरा टेबल, ये जो बॉक्स इज इक्वल टू सॉरी फ्रेम इज इक्वल टू बॉक्स लिखा हुआ था, तो उसकी वो आउटर मोस्ट बॉर्डर आपको यहाँ पे टेबल में दिख रही है, और यहाँ पे अलग अलग सेल आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे तो सेल की वैल्यूज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दो सेल के बीच में 10 पिक्सल्स की जगह रखी थी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और सेल पैडिंग के अंदर जो हमने 20 पिक्सल्स की वैल्यू रखी थी, तो आप वहाँ पे वो 20 पिक्सल की वैल्यू हर एक सेल के अंदर भी देख सकते हो। हमारे टेबल का बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर हमने पिंक रखा हुआ था, तो पूरे टेबल के अंदर आप देख सकते हो कि वो पूरी वहाँ पे पिंक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, और हमने यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ रो के अंदर बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन रखा हुआ था, तो आप यहाँ पे वो रो के अंदर लाइट ग्रीन बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे देख सकते हो, और जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंसर्ट की थी वो सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रॉपरली आप यहाँ पे अरेंज की हुई देख सकते हो। तो ये था आपका फिफ्थ प्रैक्टिकल जो टेबल के अंदर था। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप ऐसे ही TR, TD एंड TH टैग का यूज करके आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का 6th प्रैक्टिकल, जो कि नेस्टेड टेबल के बारे में है, यानी कि टेबल के अंदर टेबल। चलिए उसका आउटपुट देखें। तो ये रहा आपका आउटपुट, जो यहाँ पे मेनली आपको एक यहाँ पे टेबल दिख रहा है, और उसके अंदर हमने यहाँ पे एक सेल के अंदर और एक टेबल यहाँ पे पूरा ऐड किया हुआ है। तो उसका प्रोग्राम देखें, तो ये है आपका HTML कोड। तो एक्सप्लेन करें हम HTML कोड को, तो हम डायरेक्टली जाए टेबल टैग के ऊपर। तो यहाँ पे टेबल के साथ हमने जो एट्रीब्यूट यूज करने थे वो यहाँ पे यूज किए, जैसे कि बॉर्डर इज इक्वल टू 2, बीजी कलर इज इक्वल टू येलो, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, विथ इज इक्वल टू 50%। सो हमारा टेबल की विथ 50% होगी, सेंटर में टेबल हमारा दिखेगा, बैकग्राउंड कलर हमने बाय येलो रखा हुआ है,
और बॉर्डर इज इक्वल टू यहाँ पे हमने 2 पिक्सल की बॉर्डर यहाँ पे दे रखी। फिर कैप्शन टैग का यूज करके हमने यहाँ पे टेबल को हेडिंग दे दिया, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड रखा हुआ है, और H1 टैग का यूज करके हमारी हेडिंग स्टाइल का यूज करके हम यहाँ पे हेडिंग लिख रहे हैं कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेबल के ऊपर यहाँ पे रेड कलर के अंदर कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज भी आपको दिखाई दे रही है। फिर हम टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला हम यहाँ पे TR टैग का यूज करके एक रो क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे TH टैग यानी कि टेबल का हेडिंग लिखने के लिए हम यहाँ पे TH टैग का यूज करेंगे, जो हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें कोई भी हेडिंग नहीं लिखना, तो हम यहाँ पे वो ब्लैंक स्पेस कर रहे हैं। फिर दूसरे कॉलम के अंदर TH टैग का यूज करके हम विच इज इक्वल टू 50% मॉर्निंग लिखेंगे और TH टैग को वहां पे क्लोज कर देंगे, यानी कि 50% हमारा टेबल की जो भी हमारी टेबल की विथ थी वो विथ का 50% हम करेंगे। तो 50% के अंदर हम वहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे मॉर्निंग, एंड देन आफ्टर बचा हुआ 50% के अंदर हम लिखेंगे TH आफ्टरनून करके और TH टैग को बंद कर देंगे। तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो पहला सेल हमने ब्लैंक छोड़ा था, तो आप यहाँ पे वो ब्लैंक देख रहे हो। फिर 50% एरिया के अंदर यहाँ पे आप मॉर्निंग लिखोगे और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन था उसके अंदर यहाँ पे आप आफ्टरनून यहाँ पे देख सकते हो। फिर और एक TR टैग का यूज किया, यानी कि हमने एक रो और एक ऐड कर ली। यहाँ पे TH टैग की मदद से हम हेडिंग इंसर्ट करा रहे हैं डे वन करके, और TH टैग को यहाँ पे क्लोज किया। TD टैग का यूज करके हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कराएंगे, अलाइनमेंट इज इक्वल टू मिडल यानी कि सेंटर में आएगा, और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं इनॉग्रेशन, और TD टैग को यहाँ पे बंद कर रहे हैं। फिर TD टैग का यूज करके अलाइन इज इक्वल टू मिडल वापिस से एक और वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, और यहाँ पे वैल्यू कर रहे की नॉट एड्रेस करके, और टीडी टैग को बंद कर दिया और TR टैग को भी बंद कर दिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एक रो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। फिर दूसरी रो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं TR टैग की मदद से, और TH टैग की मदद से यहाँ पे हेडिंग लिखा। टीडी टैग की मदद से हम वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, अलाइनमेंट मिडल का यूज करके पेपर प्रेजेंटेशन करके वैल्यू इंसर्ट करा दी, और जो दूसरा हमारा सेल था दूसरा कॉलम था उसके अंदर हम एक टेबल इंसर्ट करा रहे हैं। तो टीडी टैग के अंदर हमने यहाँ पे एक टेबल बना दिया कि टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, बैकग्राउंड कलर पिंक रखा, फ्रेम इज इक्वल टू बॉक्स यानी कि हमें पूरी वो बॉर्डर चाहिए, एंड अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर, तो वो बॉक्स के अंदर आपको वहां पे सेंटर के अंदर एक नया सा टेबल दिखेगा। टेबल के अंदर हम वहां पे कैप्शन टैग की मदद से टेबल को एक हेडिंग दे रहे हैं, तो H3 हमारी हेडिंग स्टाइल के अंदर हम वहाँ पे हेडिंग देंगे इनर टेबल, और H3 टैग को यहाँ पे बंद, कैप्शन टैग को भी बंद कर दिया। फिर वो टेबल के अंदर हम रो एंड हेडिंग और वैल्यूज वहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, तो यहाँ पे TR एक रो क्रिएट कर दी, जो हमने नया टेबल क्रिएट किया था वो नया टेबल के अंदर हम एक रो क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे हेडिंग इंसर्ट करा रहे हैं टीचर्स, एंड यहाँ पे वापिस से TD टैग की मदद से वापिस से एक हेडिंग इंसर्ट करा दिया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो TR टैग दूसरी एक रो क्रिएट करा दी, और TD टैग के अंदर वहां पे वैल्यू इंसर्ट करा दी मीटिंग्स, एंड दूसरे कॉलम में जाकर वैल्यू इंसर्ट करा दी विद द हेल्प ऑफ TD टैग क्विज। और फिर जो हमने इनर टेबल जो यूज किया था उसको हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, हमें कोई और यहाँ पे रो एड नहीं करनी, तो हमने यहाँ पे वो क्लोज कर दिया। TD टैग जो हमने ओपन किया था यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और एट लास्ट जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में TR टैग यूज किया था यानी कि ओपन किया था उसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो हमारी यहाँ पे तीसरी रो यहाँ पे खत्म होती है, जिसका आउटपुट हम देखें तो यहाँ पे Day 2 पेपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख रहा है। फिर पेपर प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पे हम जो TD टैग दूसरी बार जो हमने लिखा उसके अंदर ये पूरा टेबल यहाँ पे हमने इंसर्ट किया बैकग्राउंड कलर पिंक के साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड कलर पिंक के साथ यहाँ पे टेबल का हेडिंग इनर टेबल जो हमने लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है। TH टैग और TH टैग के अंदर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हमने लिखा था, तो आप यहाँ पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, और उसकी वैल्यूज हमने फिर नेक्स्ट रो के अंदर एड कर दी थी मीटिंग एंड क्विज, मीटिंग एंड क्विज की वैल्यू भी आप वहाँ पे देख सकते हो। फिर ये टेबल को हमने क्लोज कर दिया, जो पिंक बैकग्राउंड के साथ था वो टेबल को हमने क्लोज कर दिया, एंड TR टैग को भी क्लोज करके हमने ये सेकंड रो जो हमारी Day 2 की बनाई हुई थी वो हमने यहाँ पे एंड कर ली। फिर यहाँ पे हम Day 3 वाली रो क्रिएट करेंगे, यानी कि TR टैग की मदद से हम यहाँ पे Day 3 लिख रहे हैं, और TH टैग की मदद से हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे Day 3, और यहाँ पे पूरा हेडिंग को क्लोज किया। TD टैग अलाइन इज इक्वल टू मिडल आपको वहां पे दिख रहा है,
एंड वैल्यू यहाँ पे है डिस्कस और टीडी टैग क्लोज। तो ऐसे ही करके आप यहाँ पे टीआर टैग का यूज करके फिर डे फोर डे फाइव अगर क्रिएट करना है मल्टीपल तो कॉपी पेस्ट करते जाओ, जो भी एट्रीब्यूट यूज करना है, जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है उसी हिसाब से वैल्यू इंसर्ट करते जाओ और टेबल क्रिएट करते जाओ। एट लास्ट जब आपको हो सके कि अभी मुझे और रो एड नहीं करनी तो टेबल टैग को बंद कर दो, बॉडी टैग बंद कर दो, एचटीएमएल को बंद कर प्रोग्राम सेव करके अपना आउटपुट देखो तो आपको कुछ इस हिसाब से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, जहाँ पे डे थ्री जो भी वैल्यू इंसर्ट की थी वो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मैंने डे थ्री लिख कर डिस्कस किया, बाजू के कॉलम में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की थी क्योंकि हमने वो ब्लैंक रखा और टेबल की रो को यहाँ पे क्लोज कर दिया था, तो यहाँ पे आपको रिसेस के नीचे कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था सिंपल आपका नेस्टेड टेबल के बारे में, यानी कि टेबल के अंदर और एक टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम था। तो आई होप ये प्रोग्राम के बारे में आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रोग्राम नंबर 7। तो सबसे पहले हम उसका आउटपुट देख ले कैसा आता है वो। यह है आपका आउटपुट प्रोग्राम नंबर 7 का। अब उसका सोर्स कोड देखें तो यह है HTML प्रोग्राम। तो हम स्टार्ट करें तो हम HTML हेड टैग और टाइटल टैग के अंदर स्टार रेस्टोरेंट मेनू लिखा हुआ है, जो आपको यहाँ के ऊपर स्टार रेस्टोरेंट मेनू दिखाई दे रहा है। हेड टैग को क्लोज किया और बॉडी टैग के अंदर हम अपना अब काम करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में सेंटर टैग लिया, यानी कि हम जो भी कुछ काम करेंगे वो सेंटर में आएगा, और हम यहाँ पे एक टेबल टैग की मदद से एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं विथ इज इक्वल टू 50%। सो हमारा टेबल 50% के विथ के साथ वो डिस्प्ले होगा। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 है। बॉर्डर कलर हमने पिंक रखा हुआ है, बॉर्डर कलर डार्क करके हमने यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड लिखा हुआ है। एंड सेल स्पेसिंग यहाँ पे हमने कोई भी नहीं रखी, डेट इज हम 0 रखा हुआ है। अगर हम ये ना भी लिखे तो भी चलेगा क्योंकि 0 ही है, कोई फर्क नहीं होने वाला। फिर हम टी आर टैग की मदद से एक यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर रहे हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर किया। फिर टी एच टैग की मदद से हम वो रो के अंदर हेडिंग एड कर रहे हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर एंड कॉलस्पान इज इक्वल टू 6। H1 टैग के अंदर स्टार रेस्टोरेंट करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना एक हेडिंग इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे H1 टैग हमारा हेडिंग स्टाइल को हम क्लोज कर रहे हैं, TH टैग जो रो के अंदर हमने हेडिंग लिखा उसको हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं, एंड एट लास्ट एंड में यहाँ पे अपनी TR टैग भी बंद कर रहे हैं, यानी कि हमारी फर्स्ट रो हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। फिर वापिस से हम TR टैग का यूज करके सेकंड रो क्रिएट करेंगे, वहां पे TD कॉलस्पान इज इक्वल टू 2, यानी कि हम वहां पे डेटा इंसर्ट कराएंगे। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर एंड H2 के साथ, यानी कि हमारा हेडिंग स्टाइल यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू यानी कि डेटा इंसर्ट करेंगे, स्टार्टर H2 बन। फिर वापिस वही TD कॉलस्पान इज इक्वल टू 2, अलाइन सेंटर करके H2 का यूज करके रोटी एंड ब्रेड, एंड द लास्ट कॉलम के अंदर हम तीसरा डेटा इंसर्ट कराएंगे करीज करके, यानी कि एक रो के अंदर आप यहाँ पे 3 अलग अलग कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कॉलम डेटा यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। एट लास्ट एंड में आप यहाँ पे TR टैग को क्लोज करके यहाँ पे रो को खत्म करेंगे, यानी कि एक ही रो के अंदर हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पे स्टार्टर रोटी एंड ब्रेड एंड करीज नाम के आपको यहाँ पे हेडिंग देखने को मिलेंगे। फिर वापिस से अगेन TR टैग का हम यूज कर रहे हैं, यानी कि एक नई सी वापिस से रो क्रिएट करेंगे, उसके अंदर TD टैग यानी कि हम यहाँ पे अपना वो हेडिंग इंसर्ट करेंगे। तो TD अलाइन इज इक्वल टू सेंटर स्ट्रांग, यानी कि बोल्ड में दिखेगा थोड़ा हमें, फॉन्ट कलर ब्लू किया हुआ है और यहाँ पे हम लिख रहे हैं आइटम, और फिर फॉन्ट कलर बंद, स्ट्रांग टैग को बंद किया और यहाँ पे एक TD टैग को बंद किया। वैसे ही हम यहाँ पे अलग अलग सेम लाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आइटम प्राइस आइटम प्राइस आइटम प्राइस 3 बार इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर 3 हेडिंग इंसर्ट किए हुए थे, स्टार्टर रोटी ब्रेड एंड करीज। तो स्टार्टर के लिए हमारा आइटम और प्राइस, फिर रोटी एंड ब्रेड के लिए आइटम एंड प्राइस, एंड करीज के लिए आइटम एंड प्राइस। तो यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे 6 लाइन वैसे उसी हिसाब से लिखी हुई है। फिर वापिस से TR टैग यानी कि एक वापिस से रो क्रिएट करेंगे, जिसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे वापिस से हेक्साडेसिमल कोड यानी कि कलर कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और यहाँ पे TD अलाइन इज इक्वल टू सेंटर स्ट्रांग टैग का यूज करके यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं, दैट इज पनीर टिक्का ड्राई। स्ट्रांग टैग को बंद किया, TD टैग को बंद किया, यानी कि एक साल के अंदर हमारा यहाँ पे पनीर टिक्का ड्राई करके हेडिंग आएगा। फिर TD टैग को वापिस से ओपन कर रहे, अलाइनमेंट सेंटर यूज कर रहे और वहां पे प्राइस इंसर्ट कर रहे आइटम की, तो प्राइस के अंदर हमने लिखा 100, तो सेकंड के अंदर हमारा
कॉलम के अंदर वहां पे 100 लिखा जाएगा। फिर वापस से टीडी टैग सेंटर प्लेन रोटी करके हम वापस से वैल्यू इंसर्ट करेंगे, यानी कि फिर वहां पे एक आपको वैल्यू दिखेगी प्लेन रोटी और वहां पे उसकी प्राइस हमने 10 रुपीज एड की एंड पनीर कुर्जी थर्ड सेल के अंदर और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 100 रुपीज वापिस एड कर दी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक रो के अंदर आपको यहाँ पे 3 आइटम्स अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वापिस से हम यहाँ पे टीआर टैग का यूज करेंगे और यही जो तीनों लाइन हमने यूज की थी वही तीनों लाइन को वापिस से कॉपी पेस्ट करेंगे। सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे एंटर करना है, पनीर टिक्का ड्राई की जगह पर यहीं पे पनीर कबाब, प्राइस चेंज करनी हो तो कर सकते हो अदरवाइज वही प्राइस रखो, फिर प्लेन रोटी की जगह पर तंदूरी रोटी एंड पनीर भुर्जी की जगह पर मिक्स वेज करके क्या करना है, सिर्फ आइटम्स को आपको चेंज करना है। अगर वैल्यूज चेंज करना है तो यहाँ से जो भी वैल्यूज है वो चेंज कर सकते हो, मैंने वही की वही रखी है, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं की, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, ये तीनों लाइन सेम जैसे लिखी थी वैसे ही आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे आपकी एक रो भी एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगी और ये रो हमने यहाँ पे बंद भी कर दी। फिर यहाँ पे हम टी आर टैग का यूज कर रहे हैं, टी डी टैग कॉल्स वन इज इक्वल टू टू अलाइन सेंटर एंड एच टू हेडिंग हम इंसर्ट करेंगे। तो एच टू हेडिंग स्टाइल का यूज करके हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग ऐड करेंगे, तो ड्रिंक्स डेजर्ट एंड वाटर करके हमने यहाँ पे 3 हेडिंग ऐड कर दिए और टी आर टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे कोल्स पान का यूज करके जो स्टार्टर रोटी ब्रेड एंड करीज जैसे इंसर्ट की थी वही लाइन को कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे जाकर क्या करो, ड्रिंक्स डेजर्ट एंड वाटर अलग 3 हेडिंग करके वहाँ पे आइटम ऐड करना स्टार्ट करो। फिर वही वापिस से कॉपी पेस्ट वाली लाइन्स आएगी, आपको यहाँ पे इतना पूरा कॉपी करना है जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ था वही लाइन को कॉपी करो, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट करो और सेम टू सेम लाइन आपको वही देखने को मिलेगी जो आपने इंसर्ट की थी, आइटम प्राइस 3 अलग अलग हेडिंग हमने इंसर्ट किए थे, ड्रिंक के लिए आइटम एंड प्राइस, फिर डेजर्ट के लिए आइटम एंड प्राइस एंड वाटर के लिए आइटम एंड प्राइस, वह करके आपको 6 लाइन यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगी और एट लास्ट टी आर टैग को बंद करके अपनी रो को क्या कर रहा खत्म करो। फिर अगेन टी आर टैग का यूज करो, आपने जो यहाँ पे ये लाइन जो लिखी हुई थी या फिर ये लाइन को पूरी कॉपी कर सकते हो और उसी के हिसाब से यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे सिर्फ आइटम्स को चेंज करना है, यहाँ पे टी कर दिया, यहाँ पे प्राइस चेंज कर दी, फिर गुलाब जामुन यहाँ पे उसकी प्राइस चेंज कर दी, फिर यहाँ पे रेगुलर और यहाँ पे प्राइस कुछ भी नहीं रखा, रेगुलर वाटर के लिए हम क्या करेंगे कोई चार्ज नहीं करते। तो यहाँ पे उसी हिसाब से सबसे पहला हेडिंग हमारा ड्रिंक्स का था तो इसलिए हमने यहाँ पे टी लिखा हुआ है और उसकी प्राइस, फिर हमारा दूसरा हेडिंग था गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन के डेजर्ट के हेडिंग के अंडर वो आएगा एंड वाटर तो रेगुलर वाटर हम प्रोवाइड करेंगे जो चार्ज नहीं लगा। फिर वापिस से एक लाइन क्रिएट की टी डी टैग की मदद से हम डेटा इंसर्ट करेंगे, जो भी लिखेंगे वो अलाइनमेंट सेंटर के साथ आएगा और रिस्पेक्टिवली वापिस से यहाँ कॉफी रसगुल्ला एंड मिनरल वाटर के साथ हम यहाँ पे टैक्स यानी कि आइटम वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे और उसी के मुताबिक यहाँ पे सारी वैल्यूज इंटर कराएंगे, कॉफी के लिए 20, रसगुल्ला के लिए 35 एंड मिनरल वाटर के लिए 15। और एक लाइन ऐड करनी हो तो एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोको जूस श्रीखंड स्पार्कलिंग करके यहाँ पे आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करवाना हो उसी हिसाब से वैल्यू एंड उसके मुताबिक प्राइस इंसर्ट करा दो, और आइटम इंसर्ट करनी हो तो करो, ना करनी हो तो मत करो चलेगा, जितनी रोज ऐड करने चाहो उतनी रोज आप ऐड कर सकते हो, जितने कॉलम में करनी हो उसी के मुताबिक टीडी टैग का यूज करते जाओ, जहां पे यूज ना करना हो तो वहां पे एट लास्ट क्या करना है टीआर टैग को खत्म कर देना है यानी कि उसको क्लोज कर दो। आप देख सकते हो कि आगे की सारी लाइन्स में हमने 3-3 लाइन लिखी थी, अब हम जो लास्ट रो हम क्रिएट करने वाले थे उसके अंदर हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार टीडी टैग का यूज किया है, यानी कि एक जो वाटर का कॉलम होगा जो हमारी लास्ट सेल जो क्रिएट होने वाला था लास्ट रो के अंदर उसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है, तो हमने यहाँ पे टीआर टैग को क्लोज कर दिया, यानी कि वो सेल कैसा रहेगा ब्लैंक रहेगा, वहां पे कुछ भी आउटपुट में दिखेगा नहीं। और एट लास्ट आइटम जो लास्ट लाइन के अंदर हम लिख रहे हैं टीआर अलाइन इज इक्वल टू सेंटर करके, तो टीडी के अंदर हम डेटा इंसर्ट कराएंगे और ये सारा हम वैल्यूज वहां पे इंसर्ट कर रहे हैं। BR टैग का यूज हमने देखा था कि वो लाइन को ब्रेक करके देगा, यानी कि जितने भी सेंटेंस के बाद आपको BR दिख रहा है डेट मींस उसके बाद का सेंटेंस आपको नई लाइन के अंदर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक BR किया, फिर कस्टमर्स हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस करके वो नई लाइन में आएगा, फिर BR टैग का यूज किया, उसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है 20 मिनट्स वेट करने का तो वो आपको नई लाइन के अंदर दिखेगा। फिर TD टैग को बंद करो और टेबल रो को भी यहाँ पे बंद कर दो, TR टैग को कर दिया,
फिर आगे कोई भी रो हमें इंसर्ट नहीं करनी, हमारा मेनू रेस्टोरेंट स्टार रेस्टोरेंट का मेनू यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे टेबल टेक को बंद कर दो, सेंटर टेक जो स्टार्टिंग में यहाँ पे वेरी फर्स्ट ओपन किया था वो बंद कर दो, बॉडी टेक को बंद कर दो और एट लास्ट एचटीएमएल टेक को यहाँ पे क्लोज कर दो। तो हम देखिए उसका पूरा आउटपुट जैसे हम बना रहे थे, स्टार रेस्टोरेंट वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर आपको देखने को मिल रहा था, उसके मुताबिक यहाँ पे हमने तीन टाइप के हेडिंग लिखे, उसके रिगार्डिंग आइटम प्राइस, फिर रोटी एंड ब्रेड के लिए आइटम प्राइस, करीज के लिए आइटम प्राइस, फिर यहाँ पे आइटम ऐड कर ली, उसके मुताबिक यहाँ पे आपको प्राइस दिख रही है हर एक के कॉलम के अंदर। वापिस से हेडिंग ऐड किए थे ड्रिंक्स डेजर्ट एंड वाटर करके, और यहाँ पे उसके लिए वापिस से हमने आइटम प्राइस आगे का कोड कॉपी पेस्ट करने को बोला था वो किया था, तो उसके मुताबिक आपको यहाँ पे आइटम प्राइस दिख रही है। अलग अलग आइटम्स जो हमने इंसर्ट की थी उसकी प्राइस आपको यहाँ पे हर एक कॉलम में दिख रही है, डेजर्ट में सारी डेजर्ट की वैल्यू दिख रही है, ड्रिंक्स में आपको ड्रिंक्स की वैल्यू दिख रही है, वाटर के लिए आपको यहाँ पे सारी वाटर की वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है। जो हमने लास्ट लाइन जो हमने यहाँ पे देखा था कि हमने सिर्फ दो ही बार टीडी टैग का यूज किया था और मैंगो डिलाइट एंड आइसक्रीम लिखकर हमने टीआर टैग को क्लोज कर दिया था, यानी कि हमने ड्रिंक्स एंड डेजर्ट के लिए ही वैल्यूज ली थी, वाटर में कुछ भी वैल्यू नहीं रखी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो लाइन पूरी यहाँ पे खाली दिख रही है, मैंगो डिलाइट एंड आइसक्रीम के बाद यहाँ पे कुछ भी लाइन नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था, सीधा टीआर टैग को बंद कर दिया। और ये जो लास्ट में हमने लिखा था द प्राइस आर इन इंडियन रुपीज एंड फिर बीआर टैग का यूज किया, यानी कि न्यू लाइन में आपको देखने को मिलेगा कि कस्टमर्स हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग लाइन के अंदर जो तीन लाइन हमने बीआर टैग के साथ जो लिखी थी वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये था आपका पूरा टेबल का आउटपुट, और टेबल टैग के साथ और टीडी टैग के साथ हम कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और उनका आउटपुट हम कैसे देख सकते हैं इजिली, वो सारा पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो आई होप जो भी अभी समझाया और जो भी एक्सप्लेन किया था कोड, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का लास्ट प्रैक्टिकल, जो कि HTML इन फ्रेम, यानी कि हम HTML के अंदर फ्रेम का यूज कैसे करें उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम उसका आउटपुट देखें कि फ्रेम कैसे वो काम करती है। तो ये है आपका लास्ट प्रैक्टिकल का आउटपुट जो आप देख सकते हो, यहाँ पे तीन अलग अलग फ्रेम हमने यहाँ पे बनाई हुई है और तीनों फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पे पूरा आउटपुट दिख रहा है। फर्स्ट फ्रेम के अंदर मैसेज आ रहा है वेलकम टू द स्टार ग्रुप ऑफ होटल्स, फिर यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 7 में हमने जो आउटपुट देखा था अभी जस्ट वही पूरा प्रोग्राम का रेफरेंस लेकर हमने यहाँ पे वो आउटपुट आपको सेकेंड फ्रेम के अंदर दिखा रहा है। एंड द थर्ड रो यानी कि लास्ट रो के अंदर यहाँ पे थैंक्स फॉर विजिटिंग करके एक और फ्रेम के अंदर हम मैसेज पास करा रहे हैं। तो जस्ट हम देखें प्रोग्राम नंबर 8, तो प्रोग्राम नंबर 8 का ये आउटपुट देखने के लिए आपके पास ये दोनों फाइल भी होनी चाहिए, फ्रेम बॉटम और फ्रेम टॉप करके मैंने दो फाइल क्रिएट की है। उसमें देखें फ्रेम टॉप, तो अगर हम उसको ओपन कर रहे हैं तो उसका आउटपुट देखे तो सिर्फ आपको वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर जो मैसेज दिख रहा था वेलकम टू द स्टार ग्रुप ऑफ होटल सिर्फ वही दिखेगा। एंड फ्रेम बॉटम अगर ओपन करके हम देख रहे हैं तो उसके अंदर जो लास्ट में मैसेज था कि थैंक्स फॉर विजिटिंग वो वाला आपको सिर्फ मैसेज देखेगा। अगर उसके कोड के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है कोई कोड एक्स्ट्रा ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ बॉडी टैग के अंदर हमने जो फॉन्ट लिखे हुए है वो फॉन्ट को सिर्फ फॉर्मेटिंग किया हुआ है कि फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 8, कलर ब्लू रखा हुआ है, अलाइनमेंट यहाँ पे राइट साइड का यूज किया है और थैंक्स फॉर विजिटिंग करके मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो ये मैसेज आपको यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है। और वही अगर हम फ्रेम टॉप के बारे में हम देखें यानी कि उसका आउटपुट हम एक बार अगेन वापिस से देख ले और इसका सोर्स कोड के बारे में भी हम देख ले तो सोर्स कोड के अंदर भी आपको यहीं पे इतना ही दिखा है फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 8, कलर ब्लू और यहाँ पे वेलकम टू द स्टार ग्रुप ऑफ होटल सिर्फ यहाँ पे मैसेज ही डिस्प्ले कराया है। जो भी कुछ है वो प्रोग्राम नंबर 8 के सोर्स कोड के अंदर है और प्रोग्राम नंबर 8 आपका है कि जिसके ऊपर डबल क्लिक करके आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। और उसका सोर्स कोड हम देखें तो ये है आपका वो सोर्स कोड जहाँ पे हमने लिखा HTML हेड सेक्शन टाइटल के अंदर यूज ऑफ फ्रेम लिखा हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यूज ऑफ फ्रेम्स, हेड टैग को बंद कर दिया, फिर यहाँ पे हम दिख रहे हैं फ्रेम सेट का यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हमें ब्राउजर विंडो के अंदर कौन सी फ्रेम कहाँ पे डिस्प्ले करानी है अगर वो हमें बताना हो तो हम यहाँ पे उसको फ्रेम सेट टैग का यूज कर दे। रोज यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग हमने डबल कोट के अंदर 20% कॉमा 60% कॉमा 20% करके क्या किया, पूरी ब्राउजर विंडो को हमने यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट को हम 20% एरिया ऑक्यूपाई करा रहे हैं, फिर सेकंड विंडो के अंदर हम 60% एरिया दे रहे हैं और जो थर्ड रो हमारी होगी उसको हम वापिस से 20% एरिया अलोकेट कर रहे हैं।
ये फ्रेम SRC इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे जो फाइल तीन बनाई थी अलग अलग, वो फाइल का हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है, यानी कि फाइल का नाम दे दिया है फ्रेम अंडरस्कोर टॉप डॉट एच टी एम एल PRG7.html दूसरे के अंदर, यानी कि जो अभी हमने प्रोग्राम नंबर 7 देखा था जो टेबल के बारे में था स्टार्टर स्टूडेंट में, वही प्रोग्राम को वापिस से सीधा कॉपी पेस्ट किया, यानी कि वही नाम को यहाँ पे हमने क्या किया यूज किया हुआ है। और एट लास्ट यहाँ पे फ्रेम अंडरस्कोर बॉटम डॉट एच टी एम एल यानी कि हमने जो तीसरी फाइल बनाई थी उसका हमने यहाँ पे यूज किया है। फिर नो फ्रेम टैग का हम एच टी एम एल कोड हम यूज करें, यानी कि नो फ्रेम्स टैग का हम यूज करके यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम। अगर आपके ब्राउजर के अंदर ऐसा वाला आउटपुट नहीं आ रहा, डेट मीन्स वॉट कि आपका ब्राउजर वो फ्रेम को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसकी जगह पर आपको सिर्फ ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा डेट योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम। और फिर बॉडी टैग को बंद कर दिया, नो फ्रेम्स टैग को बंद करके जो फ्रेम सेट टैग यहाँ पे ओपन किया था उसको यहाँ पे बंद करके अपना HTML प्रोग्राम भी यहाँ पे हमने बंद कर दिया है। तो आप देख सकोगे कि इतना प्रोग्राम बनाने के बाद आपको इसी हिसाब से जो 20% एरिया ऑक्यूपाई कराया था तो वो आपको इतना 20% एरिया दिख रहा है। फिर सेकंड रो के अंदर में 60% एरिया दिया था तो ये पूरा 60% एरिया आपको दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट रो के अंदर वापिस 20% एरिया दिया था तो आपको यहाँ पे 20% एरिया दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो थैंक्स फॉर विजिटिंग, राइट साइड पे हमने अलाइनमेंट का यूज किया था तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे वो दिखने को मिल रहा है। तो ये था आपका प्रोग्राम नंबर 8 जो चैप्टर नंबर 4 का लास्ट प्रैक्टिकल था। और इसको बनाने के लिए आपके पास प्रोग्राम नंबर 7 ऑलरेडी बना हुआ ही होगा तो वही आपको यूज करना है। और सिर्फ आपको फ्रेम अंडरस्कोर बॉटम एंड फ्रेम अंडरस्कोर टॉप करके दो फाइल ही टाइप करनी है, यानी कि वही बनानी है। और प्रोग्राम नंबर 7 आपके साथ ऑलरेडी बना हुआ है और ये प्रोग्राम नंबर 7 फ्रेम टॉप एंड फ्रेम अंडरस्कोर बॉटम तीन फाइल का रेफरेंस लेकर आपको क्या करना है प्रोग्राम नंबर 8 कंप्लीट करके रखना है। तो ये था पूरा चैप्टर नंबर 4 की आउटपुट जो हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किए थे। पार्ट 1 के अंदर हमने सारे लिस्ट और हेडिंग बुलेट्स के बारे में हमने देखा था और फिर लेटर ऑन इस वीडियो के अंदर हमने टेबल के ऊपर जितने HTML प्रोग्राम थे वो हमने सारे देख लिए। तो आई होप दोनों पार्ट के अंदर आपको जो भी समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।